global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service. सांसद जी, सबसे पहले मैं मछली शहर के विकास के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बारिश आते ही सड़कें डूब जाती थी पानी में। आज की क्या स्थिति है? आज जब से 7 महीने की बात मैं करूँगा, मैं 3.5 साल सांसद तो हो गया, लेकिन 7 महीने के पहले जो पूर्व सरकार थी, हम लोग केवल गिनने के सांसद थे। एक छोटा काम अगर कराने में तो हम लोगों को जो दिक्कत होती थी, लेकिन इधर 7 महीने से जब से प्रदेश में हमारी सरकार आई, क्योंकि प्रदेश सरकार से विकास सारा होता है, केंद्र से तो हम लोग पैसा ले जाते हैं और सारा विकास प्रदेश सरकार से होता है, तो अब 7 महीने से सरकार अपनी दिख रही है जनता के हित में। आज मैं अपनी मछली शहर लोकसभा का जिस तरह से रोड आज आप पता कर लें, बनारस से चाहे सुल्तानपुर रोड हो, NHI, चाहे बनारस से आजमगढ़ रोड हो, चाहे आजमगढ़ से बनारस से भदोही, ये सभी रोडों, अभी नया NHI से जो भदोही से रामपुर होते हुए जौनपुर आनी थी, उसको माननीय हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब ने स्वीकार कर लिया और वो सेंशन हो गया। इसी तरह आज 24 घंटा बिजली देने का हम लोग प्लानिंग कर लिए और काम शुरू कर लिए हैं। इसी तरह स्वच्छ पीने का पानी और कानून व्यवस्था, आज आप पता कर लें कि जो 7-8 महीने पहले थी, आज उसमें जाकर के देख लीजिए गिरावट आई, और आज अधिकारी कर्मचारी अब हम लोग जैसा कह रहे हैं वैसा सुनने लगे, काम होने लगा। तो मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश हम लोग उत्तम प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, और अब केंद्र में और प्रदेश में हमारी दोनों सरकारें हो गई हैं, अब हम सब लोग मिल करके, केवल हम ही नहीं, सबका दायित्व बनता है। आज जिस तरह से मुझे मुंबई आने का अवसर मिला, यहाँ हमारी लोकसभा के राजेश सिंह जी, उनके यहाँ पे मीरा रोड पे 9 दिन श्रीमद् भागवत कथा हुआ, आज समापन था, और हमसे 2 महीना पहले हमारे श्री राजेश सिंह ने हमसे समय लिए थे। संजोग से शनिवार का दिन था, समय मेरे पास था, और मैं आज यहाँ आया। हमारे साथ आदरणीय शमशेर सिंह जी हैं, ऐसे हमारी लोकसभा के यहाँ सारे लोग हैं। हमको खुद यहाँ आकर के इतना अच्छा लग रहा है कि लोकसभा तो मछली शहर है, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में आने के बाद ये लग रहा है कि यहाँ भी हमारी एक लोकसभा है। सारे अपने लोग हैं, सबके बीच में आकर के मुझे इतना खुशी मिल रहा है, और मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, यहाँ जितने हमारे उत्तर भारतीय हैं, हम सबको आश्वासन देता हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कानून व्यवस्था से लेकर कहीं सहयोग समर्थन, तो आप अपना सांसद के साथ अपना भाई समझ करके हमको एक बार याद करिए, और हर समय हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो इतने मैं आज यहाँ कहना चाहूँगा। एक सवाल और आपसे होगा मेरा, गुजरात चुनाव में आपको जिम्मेदारी दी गई थी, किस जिले का प्रभार आपको दिया गया था, और वहाँ का प्रत्याशी जीता या हारा, और गुजरात में भाजपा की सरकार आई, कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
2000 जैसे एक गांव में कहावत है कि घर की नींव बहुत मजबूत हो तो उस पर चाहे जितना बड़ा महला खड़ा कर लीजिए। आज हम लोग 18 प्रदेशों में सरकार बना लिए 2014 से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। उस समय से आज तक 3.5 साल में जिस जिस प्रदेश में चुनाव हुआ, हम पंजाब छोड़ करके लगभग सभी प्रदेशों में जीते हैं। और गुजरात, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का जन्म स्थली कर्म भूमि, वहीं से उनके बारे में पूरे देश में चर्चा बना कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है, कि देश को किस ऊंचाई पे ले जाना है, नौजवानों को रोजगार, विकास। आज देश विश्व में एक नंबर का देश बने, ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री लेकर के काम कर रहे हैं। और आज गुजरात की विजय 2019 से 22 तक इतनी बड़ी नींव रख उठी है कि अब हिलने की जरूरत है नहीं, और तभी देश शक्तिशाली, मजबूत और नौजवानों को रोजगार, तमाम ऐसे अवसर आएंगे जो आने वाले दिन में आप सबके माध्यम से पूरा देश और जनता देखेगा। आप मछली शहर से हैं या किसी दूसरे? मछली शहर। इतना संतुष्ट हैं सांसद जी के कार्यकाल से जो समय बिताए 3.5 साल? सांसद जी ने बताया 3 साल तक सपा की सरकार थी, इसलिए कुछ काम नहीं हुए। आगे जो भी काम इतने तेजी से हो रहे हैं, अगले 1 साल में आप देखेंगे कि लोगों को पता चल जाएगा कि अब अच्छा दिन आया है। 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क, सारा व्यवस्था सांसद जी बड़ी तेजी से कर रहे हैं। अगले 3-4 महीने में सब काम दिखने लगेगा। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में 10 नंबर हम देना चाहते हैं। आप भी मछली शहर से हैं? हाँ जी। कितना संतुष्ट हैं सांसद जी के कार्यकाल? मैं माननीय सांसद जी के कार्यकाल से बहुत खुश हूँ, उनके कार्य से बहुत खुश हूँ, और भारत के हर नागरिक से आह्वान करना चाहता हूँ कि केवल जात धर्म छोड़ के आप विकास पे वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत बनाइए। आगामी चुनाव सांसद जी के लिए कितना मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं है, आसान होगा। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी छवि जो है, एक बार कोई भ्रष्टाचार उनके पास नहीं है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। 100% आप जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से। 2 लाख जीते थे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे आप। इतना अच्छा लोगों में है काम। देश भर में जगह जगह जाते हैं तो मछली शहर की जनता नहीं चाहती। हाँ, ये बात आपने कहा। केंद्र में मंत्रिमंडल मिले, ये बात आपने कहा कि पार्टी जो है इनको हर प्रदेशों में भेजती है, इसलिए थोड़ा समय कम दे पाते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है। लेकिन काम उनका वहाँ पे चल रहा है, काम जोरों से है, और निश्चित रूप से अगली बार मैं चाहूँगा कि आपको मंत्री पद मिले, यही हमारी शुभकामना है।